संशोधन कानून का देश के अलग अलग इलाकों में विरोध हो रहा है और इस बीच बीजेपी पूरे देश में सीएए के समर्थन में रैली कर रही है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में रैली करने वाले हैं। रामकथा पार्क में होने वाली इस रैली में बीजेपी ने 1 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद जताई है। रैली स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रैली स्थल पर बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। मुट्ठी भर लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और कांग्रेस सपा बसपा ममता केजरीवाल वाम दलों के द्वारा उकसाए जाने पर बहकाए जाने पर मुट्ठी भर लोग सीए के विरोध में हैं और सारा हिंदुस्तान, अगर मैं ये कहूँ 70 से 80% तक सारा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से गैर मुस्लिम लोग आए हैं, उनकी केवल नागरिकता प्रदान करने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने का नहीं है। तो खाम खाम बिना मतलबी विवाद खड़ा करने किया जा रहा है। सीए के समर्थन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आज रैली करेंगे और कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे, लेकिन जिनके लिए ये बिल आया था वो यहाँ पर आए हैं। आप देखिए कि पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश से जो नागरिक थे जिनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी वो लोग यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करने आए हुए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मैं तो लखनऊ से हूँ, अल्पसंख्यक हूँ और मैं सीएए का समर्थन करता हूँ और सारे अपने भाइयों से समझाता हूँ कि इन लोगों को तहे दिल से लगाएं। और जनाब मोदी साहब और अमित शाह साहब ने जो ये सीएए लाए हैं ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सारे मुसलमान भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग आएं और इन भाइयों को दिल से लगाएं अपने। और लोग भी हैं, कहाँ से आए आप? हम लोग लखीमपुर खीरी से आए हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग विस्थापित हैं और जब भारत का डिवाइडेशन हुआ था 1947 में तो भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान और भारत, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो हमारे जो लोग थे वो किसी कारणवश उधर पूर्वी पाकिस्तान में रह गए थे। तो हम लोगों ने भाई शरण मांगा कि भाई हम धार्मिक आधार पर हमें कोई प्रताड़ना हो रही है तो हम लोग अपने देश में रहना चाहते हैं। बांग्लादेश का रहने वाला था। अभी आपको नागरिकता मिल गई? नागरिकता मिल रही है, हमको खुशी है इस बात की। धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? हाँ धन्यवाद करेंगे अवश्य। का बिल आने के बाद अब इन्हें न्याय की उम्मीद जगी है, इन्हें नागरिकता मिल रही है, तो ये लोग धन्यवाद ज्ञापित करने खुद आज रैली पर पहुंचे हुए हैं। नफीस खान के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अगर बात की जाए बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तो कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं? देखिए तकरीबन करीब गृह मंत्री अमित शाह इस रैली स्थल पर पहुंचेंगे और एड्रेस करेंगे यहाँ पर। लेकिन फिलहाल अगर बड़े नेताओं की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये दोनों ही आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं? देखिए 50,000 की कैपेसिटी का एक ग्राउंड है और भीड़ हालांकि अब इकट्ठा होना शुरू हुई है। सुबह मौसम खराब था तो भीड़ कम थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे धूप निकली है लोग आना शुरू किए हैं। अवध क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ये भीड़ है। अवध क्षेत्र में जितने जिले आते हैं, जितने मंडल आते हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और आम नागरिकों के लिए भी यहाँ पर जगह बनाई गई है ताकि सीएए के समर्थन में जनसभा को सुन सके। तो जाहिर तौर पर काफी भीड़ यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है और इसको लेकर के तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं ताकि असुविधा भी ना हो किसी को। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। लखनऊ से ही खबर है जहां पर लखनऊ के घंटाघर